भगवत गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मन बुद्धि अहंकार की उत्पत्ति किसे होती है बताइए? बड़ी सरल है। जब हम भौतिक जगत में आते हैं, जब हम भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं, तो हम यहां हमारी हम इधर इसके लिए हमारा जो स्वभाव है उसके साथ मैच नहीं करता। जैसे कि आप जब पानी के अंदर गहरे पानी में जाना चाहते हैं तो आपको डाइविंग सूट पहनना पड़ता है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पानी और हमारे स्वभाव मैच नहीं करता, इसलिए हमें वहां क्या पहनना पड़ता है, डाइविंग सूट, एक किस्म का कपड़ा पहनना पड़ता है। तो यह बहुत जरूरी हो जाता है। इसी तरीके से हम भौतिक जगत में आते हैं तो हमें दो प्रकार के सूट मिलते हैं। क्या होता है, एक कहते हैं उसको सूक्ष्म शरीर और दूसरा है स्थूल शरीर। तो जैसी आते हैं वैसी हमें मिल जाता है सूक्ष्म शरीर, और जिस जो आप बात कर रहे हो मन बुद्धि अहंकार की, वो सूक्ष्म शरीर हुआ और पांच तत्वों से बना हुआ ये स्थूल शरीर प्राप्त होता है। समझ में आया जी? हाँ जी।